हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज इस वीडियो में पानी पूरी जो सिर्फ आटे से बने हुए हैं, किसी और चीज़ से नहीं बने हैं। और आटा तो दोस्तों सभी के घर में मिल जाता है। तो देखिए इसमें हमने लिया है 1.5 कटोरी आटा। इस आटे और 1 कटोरी पानी। इस आटे बिल्कुल आटे की तरह इसे मांडना है, जैसे हम आटा मांडते हैं। ये देखो, बिल्कुल ऐसे आटे की तरह लगा लिया है हमने इसको। थोड़ा सा और पानी डालते रहेंगे इसमें, हल्का हल्का सा। हमें इस आटे को बिल्कुल बिल्कुल भी टाइट नहीं मारना है और ना ही हमें इसे पतला करना है। बस नॉर्मली होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा पतला। अगर ये पतला हो जाएगा तो फिर हमारे गोलगप्पे नहीं बनेंगे अच्छे से। हमें इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गई है दोस्तों। 5 मिनट के बाद कि आटा कैसा हो गया है, ये बहुत अच्छा हो गया है। देखो 5 मिनट के बाद कितना अच्छा आटा हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी सी वे बनाएंगे, लोई बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी सी, बिल्कुल ग्रोल की तरह। थोड़ा हाथों पर घी भी लगाना है आपको, या रिफाइंड भी लगा सकते हैं ताकि हाथ हमारे हाथों पर चिपके ना। ये देखो, हमने छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बनाकर रख ली है, ग्रोली बना ली है बिल्कुल। हमने पहले ये बनाकर रखी हुई हैं, उसके बाद हम इन्हें चकले और बेलन से बनाएंगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ आटे से इतनी जल्दी गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो, अब हम बनाएंगे चकले और बेलन से गोलगप्पे। हमने इस पे ऑयल लगा लिया है अच्छे से ताकि इसके ऊपर चिपके ना, क्योंकि अगर ये चिपक जाएंगे तो फिर ये फटने लगेंगे। हमें सिर्फ इस तरीके से बेलना है धीरे धीरे से, ताकि ये ज़्यादा पतले ना हो और ज़्यादा मोटे भी नहीं रहे। ये देखो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल गोल है। हमने लिया है एक ट्रे, उस ट्रे पर हमने लगाया थोड़ा ऑयल। ऑयल लगाने की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ताकि ये ट्रे पर चिपके नहीं। देखो ये कितने अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं, कितने जल्दी बनते हैं, और इसमें हमें इतना टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं अपन कर ये। ये हमने बना के रख लिए एक ट्रे में इतने सारे गोलगप्पे। अब हम जलाएंगे गैस। गैस चलाने के बाद हम इसमें रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा ऑयल और फिर देखना ऑयल गर्म होने लग जाएगा। देखो कितना ये अच्छे से ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर डालेंगे अब एक एक करके गोलगप्पे। ये देखो कितने प्यारे से फूल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं फूले हुए भी, एकदम फूल गए हैं। ऑयल हमें दोस्तों हमें ऑयल इसी तरीके से डालना है इसके ऊपर ही, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ऑयल नहीं डालोगे तो ये फूलेंगे भी नहीं और फिर ये ऐसे ही पापड़ी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको पापड़ी खानी है तो आप पापड़ी भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो में पापड़ी बनाकर भी दिखाऊंगी। ये देखो हमारे सभी गोलगप्पे तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं, सभी गोलगप्पे फूल गए हैं। कोई भी ऐसा गोलगप्पा नहीं है जो नहीं फूले हो। वाकई में ये पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत क्रंची क्रंची भी बनती है। हमें सिर्फ गैस को मीडियम साइज पर ही चलाना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा तेज करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे और ये फूलेंगे भी नहीं, सिर्फ पूरी सी बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमें धीमी धीमी आंच पर इन्हें पकाना है। ये हमारे गोल्डन कलर के हो गए, अब हम इनको उतार लेंगे। इसे उतारने के बाद हम इन्हें एक रखेंगे ट्रे में। हमने उतार कर रख लिए थे ट्रे में, इतने ठंडे होते हैं। इतने हम बनाएंगे गोल गप्पों का पानी। अब हम बनाएंगे पानी पूरी का पानी। इसमें लिए हमने 2 से 3 हरी मिर्च, पुदीना, छोटा अदरक का टुकड़ा, और इसे डालेंगे हम मिक्सर में। इसको हम मिक्सर में से निकाल के पेस्ट बनाने के बाद हम इसे छान लेंगे थोड़ा सा। अच्छे से हम इसे छानेंगे ताकि इसके अंदर जो ये बारीक बारीक सा बचा हुआ रह जाता है वो
पानी के अंदर ना आए। ये देखो बहुत अच्छे से छान देना है हमें। छाने के बाद बहुत अच्छा पानी बनता है इसका। ये हमने इसे छान के तैयार कर लिया है। ये देखो पानी कितना क्लीन हो गया है एकदम। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है पानी। इसमें हम 1 चम्मच काला नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, इसे हम मिला देंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरा जो हमने पहले ही भून के रखा हुआ था तवे पर। हमने रखी थी कुछ इमली जो पानी के अंदर भिगो कर रखी हुई थी। आप चाहो तो नींबू भी ले सकते हैं, जो आपका मन कर रहा है आप वो लीजिए। हमने लिए हैं इसमें इमली का पानी जो हमने रखी हुई थी इमली भिगो के पानी के अंदर। इसे हम छान कर इसके अंदर डाल लेंगे ताकि ये खट्टा हो जाए थोड़ा पानी। इमली के पानी को हमें छानना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो छिलक होते हैं इमली के वो पानी के अंदर नहीं आएंगे। ये हमने छान के तैयार कर लिया है पानी। और ये कितने टेस्टी टेस्टी वो क्रंची एकदम गोल गप्पे बने हैं। पानी भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि इन्हें अभी एकदम खाने खा ही ले। देखो कितने प्यारा लग रहा है और बहुत क्रंची क्रंची बने हुए हैं ये। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।